Hello students, welcome to Access Institute and this is our second lecture of chemical bonding. Last class में हम लोगों ने देखा था कि chemical bond किसको बोला जाता है, chemical bonding के कितने types होते हैं and we discussed about ionic bonding in the previous lecture. So today we are going to discuss about next type of bond, that is covalent bond, and let's start the topic. Okay, so हम लोगों ने देख लिया था कि bond क्या होता है, हम किसको बॉन्ड बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स को एक साथ जोड़ के रखती है उसको केमिकल बॉन्ड बोला जाता है. अब बॉन्ड जो होता है बेटा दो तरीके का हो सकता है. ऑल दो हम इसको बॉन्ड बोलते हैं तो सिर्फ एक ही समझते हैं कि जो दो एटम्स को एक साथ जोड़ के रख रहे हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अदरवाइज बॉन्ड को हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि जैसे वाटर है, हम लोग पहले वाटर को समझते हैं. वाटर जो है हमारा, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है जो दो एटम्स को एक साथ जोड़ के रखे हुए हैं. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और होगी जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ में जोड़ के रखे हुए होगी. अदरवाइज वाटर जो है हमारा कभी लिक्विड स्टेट में नहीं मिलता. तो ये जो मैं आपसे अभी बोला कि एक प्राइमरी बॉन्ड होगा और एक सेकेंडरी बॉन्ड होगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका दो एटम्स को जोड़ के रखे हुए हैं इसको बोला जाता है बच्चा प्राइमरी बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बॉन्ड. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखे हुए हैं दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी बॉन्ड, इसको सेकेंडरी बॉन्ड बोला जाता है. सेकेंडरी बॉन्ड को हम सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस भी बोल सकते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच के इंटरेक्शंस. जितना हमारा ये प्राइमरी बॉन्ड स्ट्रांग है ये उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, बट स्टिल दे हैव वेरी इंपॉर्टेंस इन आवर डे टू डे लाइफ. कि जैसे कि देखा जाए, पानी अगर नहीं होता, ये बॉन्ड पानी में नहीं होता, तो शायद पानी लिक्विड नहीं होता आज. और पानी लिक्विड है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है. तो ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ही देना चाह रहा था कि प्राइमरी बॉन्ड किसको बोला जाता है, सेकेंडरी बॉन्ड किसको बोला जाता है. सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, प्राइमरी बॉन्ड में ही हम बात कर रहे थे और प्राइमरी बॉन्ड में हमने लास्ट क्लास में आयनिक बॉन्ड के बारे में देख लिया था. अब आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड की. अगर आप लास्ट लेक्चर को याद रखे होंगे तो आपने यहाँ पे देखा कि आयनिक बॉन्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था. आयनिक बॉन्ड में हमारा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे थे एक एटम से दूसरे एटम पे, जिसकी वजह से चार्ज क्रिएट हो रहा था. और वो चार्ज हमारा कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल था दो चार्ज स्पीसीज को रोकने के लिए. दो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम है हमारा, सोडियम जो था हमारा सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया था. सोडियम जो था हमारा सोडियम आयन में कन्वर्ट हुआ था. क्लोरीन जो था ये हमारा क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ था. नाउ देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने बॉन्ड बोला था. लेकिन आज का जो बॉन्डिंग है कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसमें हम लोग यहाँ पे देखें कोवेलेंट बॉन्डिंग को, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर किया जाता है. म्यूचुअली शेयर का मतलब है कि ऐसा समझो कि दो भाई बहन है या फिर दो भाई है, तो अगर मार्केट में बुक्स की शॉर्टेज है तो क्या करते हैं मम्मी पापा, के एक को ही बुक दिला देते हैं, तो वो जो है दोनों शेयर कर लेते हैं आपस में. कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसके पास, एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं. तो पहले हम उसको पढ़ते हैं क्या होता है, दैट द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो बॉन्ड जो कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड. द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ए कोवेलेंट कंपाउंड. और ऐसे
कंपाउंड जिनमें ये बॉन्ड मिलेगा हमको कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा इन कंपाउंड को बोला जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम आपको एक बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पे समझाते हैं। आपको यहाँ पे ये एनिमेशन दिख रहा होगा दैट इज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो हो क्या रहा है इस एनिमेशन में, यहाँ पे ये हमारे दो हाइड्रोजन एटम्स थे, हाइड्रोजन एटम्स को, अब हाइड्रोजन एटम्स को मालूम है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं तो डोनेट कर सकते ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। जैसे कि कहने का क्या मतलब है कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस अगर इसमें परमानेंट इसको डोनेशन दे दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, खाली तो नहीं करना है ऑक्टेट को, इसने इसको अगर दे दिया तो ऑल्दो इस पर हमारा ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा बट इसके पास एक प्रोटॉन हो जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इन केस अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, जो कि एक प्रोटॉन के लिए मतलब ट्वाइस नेगेटिव चार्ज को संभालना बहुत मुश्किल होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो इन दैट कंडीशन व्हाट हाइड्रोजन एटम्स डज, इस कंडीशन में हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को एक तरीका यहाँ पे सोचता है कि क्यों ना अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कराई जाए। शेयरिंग कराने का मतलब है कि इसको दो की जरूरत है, इसको दो की जरूरत है, ये बोलते हैं चलो पास आते हैं, अभी पास आएंगे, जैसे ही पास आएंगे तो ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं, एक इस तरह से ऐसे इतने क्लोज पहुंचेंगे सो दैट इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में आ जाए, ठीक है, क्या होगा ये एक दूसरे के क्लोज अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने के बाद ये इस तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्लेस करेंगे कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों हाइड्रोजन एटम्स से जो शेयर किए जा रहे हैं, जो दो हाइड्रोजन एटम्स के हैं वो अब दोनों ही एटम के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फुलफिलमेंट करेंगे। कहने का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे भी घूमेंगे, अब होगा क्या आपको समझाया जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉन अब अगर ये इसका ऑर्बिट आ चुका है तो इसके ऑर्बिट में भी घूमेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही ये जो क्लोज पाथ है यहाँ पे जो शेयर पाथ है ये पास हुआ तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूमेंगे और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अब फॉर एन इंस्टेंट इसको भी इसके पास भी जब दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी जाएंगे तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑल्दो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे शेयर किया कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास भी दो हो गए और इसके पास भी हमको दो इलेक्ट्रॉन मिल गए, इससे क्या हुआ कि इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी आ चुकी है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और ऑक्टेट कंप्लीट ही हमारा स्टेबिलिटी को बताता है, नाउ द कंपाउंड हैज गेन स्टेबिलिटी एंड दिस बॉन्ड, ये जो शेयरिंग है दैट शेयरिंग इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, इसी शेयरिंग को कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इसके साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ पे शेयर किए गए हैं इनकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड बना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड ये दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बना, अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं सिंपली इसको एक लाइन से इसके बीच में डैश खींच के इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये डैश जो है हमको बताएगा कि ये वाले जो इसका एक ये इलेक्ट्रॉन है इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा शेयर हो रहा है, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमारा एक बॉन्ड बना तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी चीज ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए द इलेक्ट्रॉन शेयर हियर आर कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर्स, इनको बोला जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हुए इन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है, ये मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया कि हाउ दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे आखिर किस तरीके से बनते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बताया ये और कितने तरह का होता है, तो इट वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग में दो एटम्स इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, इक्वल ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराएंगे जिसकी वजह से उन दोनों की ही पास उनका डुप्लेट आइदर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वही दोनों एटम्स स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, आखिर कोवेलेंट बॉन्ड हमारी कितनी तरह के होते हैं। सो कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ थ्री टाइप्स, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो मेरा तीन तरीके का होता है। सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड लास्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब
आपको मैंने अभी हाइड्रोजन एटम बना के लिखा था, बोला था कि वो दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, सो इट इज दैट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन सॉरी इट इज दैट कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एटम्स। ये जो आपका रेड पार्ट है, दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब आप देख पाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हमारा हो गया, ये हाइड्रोजन एटम और ये इलेक्ट्रॉन दोनों में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, निकल रहे हैं। इन्होंने अपने ऑर्बिट्स को इस तरह से मर्ज किया, इन्होंने अपने ऑर्बिट्स को इस तरह से ओवरलैप किया, सो दैट ये दोनों हाइड्रोजन एटम अब यहाँ पे स्टेबल हो गए। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम कोवेलेंट बॉन्ड को या फिर शेयरिंग को कैसे बताते हैं, यहाँ पे हम सिंपली जैसे यहाँ पे ओवरलैप हुआ ऑर्बिट का, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ओवरलैप करके समझा सकते हैं। कल यहाँ पे हम लोग एटम्स और उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे मान लिखा, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हाइड्रोजन आइटम हम लेंगे, इसको भी क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ दिस नीड्स टू हाइड्रोजन, सो व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन विद दिस हाइड्रोजन, ये इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और ये वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले से जब इसने शेयर किया तो इसने भी कर लिया, तो देखो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके लिए भी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड पेयर शेयर हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि जब एक बॉन्ड पेयर होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो वहां से बनता है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि एक बॉन्ड, अगर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड आ रहा है, हम टोटल मॉलिक्यूल में कभी बॉन्ड्स नहीं गिनते हैं, हम दो एटम्स के बीच में बॉन्ड को गिनते हैं, कि दो एटम्स के बीच में अगर एक बॉन्ड आता है तो उसको बोला जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड आए, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए या फिर दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो इसको बोला जाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ऑक्सीजन देख रहे हैं, ये हम आगे अभी मैं आपको सारे डबल सिंगल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना के दिखाऊंगा। तो आपको याद क्या रखना है कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, जब इसमें दो बॉन्ड्स बनेंगे। एंड नाउ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जब हमारा दो स्पीसीज के बीच में, दो एटम्स के बीच में तीन बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं, सो नाउ इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमको दो एटम्स के बीच में ही देखने हैं कितने हमारे बॉन्ड बने, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर और थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, छह इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और तीन पेयर शेयर हुए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम सिंगल डबल ट्रिपल को समझते हैं कि कैसे बनते हैं और हम इनको कैसे बता सकते हैं। सो नेक्स्ट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। जैसा आपने अभी देखा है पीछे भी इमेज, आपने देखी एनिमेशन, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो H2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी, तो ये शेयरिंग की एक तरह से ये इस तरीके का बॉन्ड बन गया, इट इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप देख रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन पूरे दोनों के ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं और इन दोनों को ही स्टेबिलिटी मिल रही है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और हाउ वी स्टेट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ अब ये कब बनेगा, जब आपका म्यूचुअल शेयरिंग होगा टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन टू एटम, जब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका जो एग्जाम्पल है आपका ये है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन को लिखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट मीन्स 2.6, ठीक है। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा ऑक्सीजन देखा जाए तो इसका भी एटॉमिक नंबर होगा 2.6, ठीक। तो अब मैं एक ऑक्सीजन एटम बनाऊं, मैंने आपको बोला कि आपको लुईस स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना है
अगर आपको इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इसको कैसे बनाएंगे? अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप बनाए तो ये कैसा दिखेगा? तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम सिर्फ, इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये छह इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए। देन अब हम दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे, तो दूसरे ऑक्सीजन में ये दो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो ये हो गए और दो ये हो गए इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि इसको जरूरत है 8 पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करेगा, ये एडजेसेंट ऑक्सीजन से दो शेयर कर लेगा। सेम इसको भी जरूरत है तो ये भी क्या करेगा, दो शेयर करेगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और दो पेयर शेयर हुए। तो अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ओ सिंगल बॉन्ड ओ एंड अलॉन्ग विद इट ए सिंगल ऑल्सो डबल बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया जिसको हम ओ टू बोलते हैं। अब इनको दोनों को ही स्टेबिलिटी मिल गई, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये हमारा कंपाउंड जो है ऑक्सीजन जो है ये स्टेबिलाइज हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। सो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, नाउ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सो इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दो एटम्स के बीच में, तो यहाँ पे बनेगा हमारा बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है N2 मॉलिक्यूल, जो इसका एग्जाम्पल है वो है N2 मॉलिक्यूल। अब N2 मॉलिक्यूल अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया जाए ये हो जाएगा 2.5। आप लोग पढ़ चुके हो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 9th क्लास में हम पढ़ लेते हैं इसको। तो आउटर मोस्ट में इसके आए 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखा जाए तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो हम यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना लिए, दूसरा नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना लिए 5। अब इसको 5 है, इसको 3 की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस तरीके से। अब इसको 3 की जरूरत है तो ये क्या करेगा, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर आ गए हमारे पास, 1, 2, 3। तो बॉन्ड पेयर कितने आए बेटा हमारे यहाँ पे, 3 बॉन्ड पेयर आ गए। दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स, आपको ऑलरेडी समझा चुका था, दीज आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा यहाँ बनाता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये SH बचा रहा, ये SH बचा रहा। तो दीज आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या बोला जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनको बोला जाता है। सो आपको पूछा जाए व्हाट आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप कैसे डिफाइन करोगे, सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, द इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो कि हमारा पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, उसको क्या बोला जाता है बेटा, लोन पेयर बोला जाता है, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता ये हमारे लोन पेयर होते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास लोन पेयर हो जाएंगे 2 और बॉन्ड पेयर हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 3। तो ये हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यानी कि दो एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स बने, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए। सो इट इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जब एक बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड जब दो बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड जब दो एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप हो गए। अब बात करते हैं, अब जरूर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें नाइट्रोजन को तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट भी कर लेता, तो इसको क्या नुकसान था, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता, ये आयनिक बॉन्ड बना देता, ये चार्ज हो जाता, इस पे एक -3 का चार्ज आ जाता और ये आयनिक बॉन्ड बना लेता, तो फिर इसने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। तो बिल्कुल सही है आपका सोचना, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हर बार कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर कर सकता और हर बार कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ पे आप बात करो तो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो
देखो अगर इसमें आउटर मोस्ट में देखा जाए 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको दो नाइट्रोजन को जोड़ना है, अगर ये इसको 3 दे दे तो इसमें तो 2 ही हो जाएंगे, ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 सी होते हैं, तो दैट इज वाई ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करता है। तो हम कुछ कंडीशंस को पहले देख लेते हैं कि आपको कंडीशन क्या है, आप कैसे पहचानोगे कब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कब कोवेलेंट बॉन्ड हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा। तो अब हम उन कंडीशंस को देखते हैं। सो कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशंस होती है। तो पहला है बोथ एटम्स शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, दैट इज नॉन मेटल्स। तो जनरली नॉन मेटल जो होते हैं ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। आपको मैं एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ कि मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा सो जनरली इट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, ये जनरली हमारा एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जब दो नॉन मेटल्स साथ जुड़ेंगे तो इनके बीच में हमारा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, और जब दो मेटल्स साथ में जुड़ते हैं तो इनके बीच में हमारा बनता है मेटालिक बॉन्ड। तो ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जब भी दो नॉन मेटल जुड़ रहे होंगे बेटा तो आप बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जनरली जब भी मेटल और नॉन मेटल जुड़ेगा सो चांसेस आर हाईली दैट इट विल फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड, और जब दो मेटल जुड़ेंगे तो ये हमारा बनाएंगे एक मेटालिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपने क्या देखा कि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है उसके पास हमेशा आउटर मोस्ट में 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जब भी 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसमें 4 होंगे आउटर मोस्ट में, इसमें 5 होंगे, इसमें 6 होंगे और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि हमारा यहाँ पे आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होंगे। अब है बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे आपने एक वर्ड सीखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, देखो बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास खींचना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहते। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता तो वो एक ही तरीका चूज करता है कि चलो शेयरिंग कर लूँ, बट डोनेशन तो नहीं दूंगा, कभी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट तो नहीं करूँगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो हमेशा इलेक्ट्रॉन स्फीयर को खींचना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना चाहूँ, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज़ द टेंडेंसी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ, अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन को देखा जाए तो फ्लोरीन के पास होते हैं 9 प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन के पास होता है 1 प्रोटॉन। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा तो देखो 9 प्रोटॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाह रहे होंगे, तो ये जो टेंडेंसी है जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है इसको खींचने की जो टेंडेंसी है दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहे होंगे कि हाँ अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो बोथ द एटम्स शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सभी जो दोनों आइटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है एलिमेंट, तो हमने जैसे क्लोरीन में देखा था क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है तो एनर्जी लॉस होती है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज द एनर्जी रिलीज वैन an element gains
इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे, देखो बहुत सिंपल है। पहली चीज आपने देख ली आउटर मोस्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो फेवर क्या हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब प्रोटोन भी ज्यादा होंगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अब हर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ये भी गेन करना चाहेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेंगे, तो गेन करना चाहेंगे तो एनर्जी लॉस ही होगी। इसका मतलब वो एटम्स होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहे, दैट मीन्स बात वही आ गई जो डोनेट नहीं कर सकते तो इसीलिए ये शेयर करना शुरू कर देंगे। तो ये तीनों कंडीशंस होती है, पहली कि द एलिमेंट मस्ट हैव फोर और मोर देन फोर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, इट मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एलिमेंट्स मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हमारे यहाँ पे तीन बेसिक पॉइंट्स, हमने तीन पॉइंट्स पढ़ लिए कंडीशंस कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए। देन कम्स बोथ एटम शुड हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अब आप समझ जाएंगे कि ये भी फेवर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड को। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from isolated gaseous atom, isolated gaseous atom से electron निकालने के लिए जो energy की requirement होती है वो ionization energy कहलाती है। सीधी सी बात है भाई, nucleus है, electron है, attraction लगा हुआ है। देखो न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन है, इसको निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो वो कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं होगा तो फिर कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि शेयर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में तो एनर्जी ज़्यादा जा रही है तो वो शेयर करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम शुड बी आइदर जीरो और नेगलिजिबल। कहने का क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, तो देखो अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये इतनी ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इलेक्ट्रॉन परमानेंट ट्रांसफर करा देगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो है या फिर है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो है तो इसके केस में जीरो हो जाएगा, है ना, इसके केस में नेगलिजिबल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कोई खींचेगा नहीं, परमानेंट होने ही नहीं देगा, नहीं यहाँ पे परमानेंट होने शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्टेड होंगे हमारे क्लोरीन साइड में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये कंडीशन है जो कि हमारा कोवेलेंट बॉन्ड को बताती है। तो ये पांच कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि द कंपाउंड मस्ट हैव फोर और मोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा है मस्ट हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथा है मस्ट हैव हाई आयनेशन एनर्जी। और पांचवा है मस्ट हैव जीरो और नेगलिजिबल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देन कम्स, ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड सीख लिया है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। तो ये हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, एक्चुअली दिस इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। इसमें क्या है, ये क्लोरीन एटम ने कुछ पार्ट इस क्लोरीन एटम के साथ शेयर किया हुआ है। अगर आप इसको पूरा बनाओ तो ये कुछ कुछ आपको ऐसा दिखेगा, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा ये पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा बेटा हमारा, यहाँ पे ये पूरा एरिया क्या हो चुका होगा, शेयर हो चुका होगा, ये पूरा एरिया हमारा शेयर हो चुका होगा, दैट इज द शेयर एरिया। तो ये जो हमारा एरिया है ये पूरा शेयर हो चुका है, जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को देखा जाए तो क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको देखते हैं। तो क्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि 2.8.7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2.8.7, दैट मींस इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरा हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिखा, इसके भी आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो
अब इसको एक ही जरूरत है, सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, यहाँ पे ये शेयर करेगा इस तरीके से और यहाँ पर भी ये इस तरीके से शेयरिंग करेगा। तो अब इसमें जो बॉन्ड बनेगा, अब ये बॉन्ड जो दिखेगा आपको कैसा दिखेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं किए, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना दो एटम्स के बीच में, तो बॉन्ड कौन सा हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड बना वो बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, तो एक बॉन्ड पेयर है। आपसे पूछा जाएगा लोन पेयर कितने हैं टोटल, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः यहाँ पे क्या होगा बच्चा, लोन पेयर होंगे। तो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल की कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, सिंपल। ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने, आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड यहाँ पे कितने बने, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाला तो कितने बने, तो बॉन्ड भी यहाँ पे एक ही बना है जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो अभी हमने देखा, तो ये दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में कुछ इस तरह से शेयर रहता है, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये इसका तीसरा बॉन्ड हो गया। तो ऐसे अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने लगे दोबारा देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, दैट मींस 2.5, आउट ऑफ उसमें 5 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन में 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन ये हुए, इसको हम ऐसे बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा नाइट्रोजन हम देखेंगे सेम इसमें होगा 3, 4, 5, ये इससे शेयर करेगा, ये इससे शेयर करेगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा था, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड नाइट्रोजन, ये दोनों होते हैं इस पे लोन पेयर, लोन पेयर में हमेशा इसी तरीके से डोनेट करते हैं। तो बॉन्ड पे आपसे पूछा था कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कितना बना है इसमें, 1 लोन पेयर है, बॉन्ड कौन सा है इसमें, बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड हो गया इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और कितने हैं बॉन्ड्स, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एक ही है, तीन नहीं बोलेंगे आप, ये पूरा का पूरा एक ही है ना जिसमें तीन बॉन्ड है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एक है, लेकिन बॉन्ड पे यहाँ पे तीन है, तीन बॉन्ड है ट्रिपल में, ठीक है। ओके अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं, देन कम्स वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन होते हैं शेयर किए जाते हैं, तो एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन कैसे शेयर होगा, तो अब यहाँ पे हमको देखना है पहले ऑक्सीजन को। सो ऑक्सीजन के पास होता है एटॉमिक नंबर 8, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा 2.6, ये हो जाएगा 2.6। अब ये जो 6 है हमारा, ठीक है, अब हम इसको आउटरमोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हाइड्रोजन को देखा जाए, हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें आउटरमोस्ट में एक ही होगा। तो अब दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन को भी दो से शेयर करना है, तो क्या करें ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरा आया अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्यों ना ऑक्सीजन दोनों से ही शेयरिंग कर ले। तो ऑक्सीजन के पास आप हो, अब इसका एक शेयर किया तो इसको अपने को एक शेयर कराएगा, इसका एक किया तो इसको भी शेयर कराएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़ चुके, तो इस स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा हमको, ये बॉन्ड हो गया। अच्छा दोनों ही जो बॉन्ड बने वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि दो एटम्स के बीच में तो एक ही बॉन्ड बना ना, ऑल दो पूरे मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था कि डबल सिंगल ट्रिपल बोला जाता है जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो दो एटम्स के बीच में सिंगल बना, तो ये दोनों ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पूछा, लोन पेयर हो गए, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर इसमें होंगे 2। बॉन्ड पेयर पूछा जाए, बॉन्ड पेयर होंगे 2। बॉन्ड कौन सा होगा इसमें पूछा जाए, बॉन्ड होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कितने बॉन्ड बने, ऐसे हमारे दो बॉन्ड बने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं इस तरीके से, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग हो गया, और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2O, वाटर मॉलिक्यूल में इस तरह की बॉन्डिंग होती है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अमोनिया मॉलिक्यूल। व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3, फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3, तो NH3 जो होता है ये हमारा अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, आपके तो सेम चीज़ देखते हैं, नाइट्रोजन का 7, दैट मीन्स 2.6,
5 हाइड्रोजन का 1 यानी कि सिंपल 1 KL एंड दिस इज K। ठीक है, तो अब यहां पे देखा जाए तो नाइट्रोजन से आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रखते हैं 3, क्योंकि इसको 3 हाइड्रोजन से शेयर कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन हमारा यहां पे ये आ गया। तो अब इसको देखा जाए तो ये 8 करना है तो ये तीनों से शेयर कर लेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इसने इसका शेयर किया तो इसको शेयर भी कराएगा, ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरीके से। तो अगर आप इसको बना के देखें तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक ब्रोमीटर आपका ऊपर एज सच प्रेजेंट रहेगा। तो दैट इज अमोनिया मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे हम देखें लोन पेयर कितने हुए, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा 1, ये रहा। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हुए 3। बॉन्ड कौन सा बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड बना ये क्या है हमारा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने हुए हैं हमारे बेटा, 3 बने हुए हैं। तो बॉन्ड पेयर हमारे जो 3 है वो तीनों ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं। सो दैट इज द अमोनियम मॉलिक्यूल। नाउ ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं दैट इज मीथेन मॉलिक्यूल। व्हाट इज मीथेन, मीथेन हम बोलते हैं CH4 को, CH4 इज कॉल्ड एज मीथेन, मीथेन CH4 को बोला जाता है। तो अब इसमें देखो कार्बन है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिखेंगे, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बिकम 2,4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो यानी कि यहाँ पे 1 रहेगा K में। अब देखो कार्बन के पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बने तो कितना हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन हमारे पास 4 है तो 4 हाइड्रोजन शेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन। तो कार्बन को 8 करने हैं तो 4 की जरूरत है, तो कार्बन क्या करेगा सभी के हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा। अब जब शेयर कर रहा है तो उनको शेयर भी कराएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन एटम्स भी शेयर करेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, CH H H H एंड H। अब हमारा यहाँ पे कार्बन हो गया, क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा, नहीं बचा। बॉन्ड पेयर है, बिल्कुल है, कितना है 4। बॉन्ड कौन सा बना यहाँ पे बच्चा, टाइप जो बना बॉन्ड का दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे कितने तरह के बॉन्ड बने ये हमारे बेटा, 4 तरह के। सो इट इज ऑल अबाउट द बॉन्डिंग इन मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इट इज द बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आज आप लोगों ने सीखा कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे की जाती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कार्बन यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन इस तरीके से अरेंज होते हैं। सो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फर्दर और कौन सी तरह की बॉन्डिंग रहेगी बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से कंपाउंड बने, आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बने, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करते हैं एंड वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।